आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और कई बार हमारा मन करता है कि सब्जी की जगह हम कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा कुछ तीखा सा खाएं, तो ऐसे में आप बना सकते हैं मिर्च के टपोरे बहुत ही नए अंदाज से, बहुत स्पाइसी और खाने में इतने टेस्टी कि आप दो की जगह चार रोटियां खा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें क्या डालें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो हमारे स्पेशल मिर्च के टपोरे बनाने के लिए हमें चाहिए मिर्च। तो ये मैंने मिर्च ले ली है और इनको काट लिया है। और ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा तीखी होगी तो ये बिल्कुल खाए नहीं जाते हैं। तो आप नॉर्मल मिर्च लें। और इसी के साथ लें कुछ मसाले। तो ये हैं कुछ सूखे मसाले, तो इनमें हम लेंगे कलौंजी, ये है खड़ा धनिया जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये है राई, इसकी जगह आप सरसों भी ले सकते हैं, और ये है सौंफ और थोड़ा सा जीरा। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, तो ये इधर थोड़ी सी हींग भी रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम तेल गरम करते हैं। तो हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। और जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। तो ये हमने डाल दिए हैं और इनको हम थोड़ा सा चला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो ये गया हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया थोड़ा सा ज्यादा डालें इसमें। और थोड़ी सी अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक। तो ये गया नमक स्वाद के अनुसार। और अब इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो सारे सूखे मसाले और पाउडर मसाले सबको हमने मिक्स कर दिया। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये गया बहुत थोड़ा पानी ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए पानी भी जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये मिर्च। और अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स और बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये लीजिए हम इस पर लगा देते हैं एक लेड और 2-3 मिनट बाद इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसको हम एक बार चला लेते हैं। तो मिर्च के ये जो टपोरे हैं इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बस 6-7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसको 2-3 मिनट के लिए हम दोबारा से ढक के पकाएंगे। और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि अगर आप एक बार इनको बना लेंगे तो आप बस इनको हमेशा बनाएंगे। तो ये लीजिए 2-4 मिनट और हो चुके हैं और मिर्च बनकर रेडी है। लेकिन अभी इसमें हमें डालना है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, तो वो है दूध की मलाई। जी हाँ, मिर्च में भी हम डालते हैं दूध की मलाई। और ये जो मलाई है ये आप डालें लगभग 1/2 कटोरी और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और मलाई डालने के बाद इसको हमें फिर से 2-3 मिनट तक पकाना है। तो ये लीजिए 2 मिनट हमने इसको और पका लिया है। और वाव, दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और ये देखिए जो हमने मलाई डाली थी वो बिल्कुल पक गई है और उसमें से घी रिलीज हो गया है। इसीलिए हमने शुरुआत में बहुत कम तेल लिया था, क्योंकि जो मलाई है उसका जब घी निकल जाता है तो उसमें काफ़ी ऑयल वैसे हो जाता है। और अब लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि जो मिर्च होती है काफ़ी तीखी होती है, तो अमचूर पाउडर डालने से उसमें एक अच्छी सी खटास भी आ जाती है। तो बस अब फाइनली हमारी मिर्च बिल्कुल रेडी है। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इस गर्मा गर्म मिर्च के टपोरे के साथ जब भी आप पराठा या पूड़ी या रोटी वगैरह खाएंगे तो आप 2 की जगह 4 रोटी जरूर खाएंगे, ये तो गारंटी है।
तो जब भी आपका मन करे कुछ स्पाइसी तीखा खाने का और सब्जी बनाने का मन ना हो तब भी आप ये बना सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है मिर्च के मसालेदार तीखे चटकारेदार टरपोले या टपोरे। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।